दोस्तों, ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट्स हैं बहुत ही डिमांडेबल, पॉपुलर और एक बेहतरीन सप्लीमेंट्स है और यह हर एक के लिए ज़रूरी माना जाता है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप एक फिटनेस एथलीट हैं या नहीं हैं, डॉक्टर्स भी इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं और यह हम सभी जानते हैं। पॉपुलर है तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो सही प्रोडक्ट को चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई फिश ऑयल को खरीदें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो कहीं और मिलने वाली नहीं है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने यूट्यूब पर या कई अदर ब्लॉग्स पर ओमेगा 3 फिश ऑयल के कई सारे बेनिफिट्स को आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, बट आपको यह कोई नहीं बताएगा कि फिश ऑयल खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसके अंदर EPA DHA का भरपूर कॉम्बिनेशन है, 1000 मिलीग्राम है या फिर 900 मिलीग्राम है। यह तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता ही है, पर इससे भी जो बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वह यह है, आप जब भी कोई भी सप्लीमेंट्स खरीदें, केवल ओमेगा 3 ही नहीं, कोई भी सप्लीमेंट्स खरीदेंगे तो कुछ नियम वहाँ भी लागू होंगे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप जब भी कोई भी फूड सप्लीमेंट खरीदें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है और वो है उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, और कहीं कहीं इसको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी देखने मिलता है, और उसके साथ साथ इन्ग्रेडियंट्स आपको वो ही चेक करना है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और दूसरा इंग्रेडिएंट्स, अगर इन दोनों में से कुछ भी गायब है तो वो प्रोडक्ट्स पर आपको हमेशा डाउट होगा कि भाई इसके अंदर कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है। अब आते हैं फिश ऑयल पे फिर से। कुछ फिश ऑयल 100% फिश ऑयल होते हैं और कुछ फिश ऑयल में ब्लेंड होता है। ब्लेंड के बारे में अगर बात करें तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं, जैसे कि उसमें अगर 80% फिश ऑयल है तो सोयाबीन सनफ्लावर का भी ऑयल उसमें मिक्स किया गया है, तो यह भी फिश ऑयल की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो फिश ऑयल का ही है। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट सैंपल दिखाऊँगा जिसमें न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन और इन्ग्रीडियंट्स लिखा ही हुआ नहीं है। मैं इस प्रोडक्ट का नाम तो नहीं बताऊंगा, इस वीडियो को बनाने का मतलब ही है कि आपको एजुकेट करना, ताकि आपको पता चले कि जब भी आप कोई भी फूड सप्लीमेंट खरीदेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसको आप यहाँ देखें, कहीं भी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, तो ऐसे सप्लीमेंट्स खरीदने से आप भी बचें। मैं आपको दूसरा फूड सप्लीमेंट्स दिखाता हूँ जिसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट सेक्शन इस तरह दिया हुआ है। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, और इंग्रेडिएंट सेक्शन दिया हुआ है। इसमें देखें कि इंग्रेडिएंट्स में बता रखा है कि इसमें फिश है या जो भी चीज़ें इसके अंदर है यह बता रखा है। अब दोबारा से मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाता हूँ, इसमें आपको EPA DHA दिया हुआ है, इसमें यह दिया ही नहीं है कि EPA DHA कहाँ से है, और लास्ट में दिया हुआ है अदर सोर्सेस ऑफ फैटी एसिड्स, तो यहाँ पे आप डाउट करते हैं। चलिए मैं आपको फिर से दूसरा वाला प्रोडक्ट दिखाता हूँ। देखिए, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि फिश ऑयल 1000 mg, मतलब जो आपको बॉक्स में दिख रहा है सलमन और अदर जो फिश ऑयल है उसमें EPA और DHA इतना है, और वहीं मैं कंपेयर करूं इस प्रोडक्ट की तो इसमें फिश ऑयल कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन बैक पे कहीं देखेंगे तो लिखा होगा फिश ऑयल कैप्सूल, मतलब आप डब्बे को घुमा करके देखेंगे ना तो वहां पे आपको फ्रंट में या बैक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा फिश ऑयल कैप्सूल, तो यहां यह सस्पिशियस है कि यह फिश ऑयल है भी या नहीं। पता चला आपको फिश ऑयल बेस तो दिया गया है पर वो फिश ऑयल है ही नहीं। दूसरी चीज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि फिशेस के नाम भी दिए गए हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ओमेगा 3 फिश ऑयल सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है वो होता है डीप सी फिशेस होती हैं, जिसमें सैल्मन, एंकोवी, मैकरल, सर्डाइन, इस तरह की फिशेस होती हैं,
और ज़्यादातर छोटी फिशेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है ना बहुत कम होती है, और टॉक्सिसिटी जो होती है बहुत कम होती है। और बड़ी जो सैल्मन फिश होती है उसमें ऑयल तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टॉक्सिसिटी जैसे कि मरकरी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आपको अगर मिल जाए कि कौन कौन सी फिशेस हैं और कहाँ से मिला है, या सिर्फ यह मिल जाए कि डीप सी की फिशेस हैं, तो भी आपको थोड़ा इत्मीनान मिल जाएगा कि हाँ इन्होंने भाई बता दिया है कि कहाँ की फिशेस हैं। क्योंकि पोल्ट्री वगैरह की जो फिशेस होती हैं ना, उनका जो ऑयल होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप फूड सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले क्या क्या ध्यान देंगे। आप बड़े बड़े जो भी सप्लीमेंट्स देखेंगे उसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट साफ साफ लिखा होता है, तो आपको यह सबसे पहले देखना है। आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाया है उसमें इंग्रेडिएंट्स है या नहीं। तो अब से आप जो भी फूड सप्लीमेंट खरीदें तो उसको 360 डिग्री घुमा करके चेक कर लें कि उसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशंस और इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं या नहीं। यह एक एजुकेशनल वीडियो थी जो आपको कोई नहीं बताएगा। और लास्ट में मैं अगर आपको बताऊं कि मैं कौन सा फिश ऑयल यूज़ करता हूं, जिसमें EPA और DHA भी अच्छा है और सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी है और आपको वैल्यू फॉर मनी भी देगा, तो मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो को भी देखें। और अगर आप भी कोई फिश ऑयल यूज़ करते हैं तो उस डब्बे को 360 डिग्री घुमा कर देख लें कि जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं उस पैरामीटर्स पे आपका फूड सप्लीमेंट्स पास होता है या फिर फेल, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली होगी, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर तो ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।